इंडिपेंडेंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बिहार में इस वक्त सियासत काफी तेज हो गया है, वो इसलिए क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा हंगामा लगातार जारी है। एक तरफ जहां गर्दनी बाग में हंगामा किया जा रहा है, वहीं सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांग को लेकर हंगामा करना स्टार्ट कर दिया है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो धरना पर बैठे हुए हैं। इसी दौरान पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती है। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षकों की बहाली निकल चुकी है, लेकिन उसकी आगे की प्रक्रिया कुछ भी पूरी नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी मांगे पूरी करें, और साथ ही साथ वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये विजुअल देखिए। आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं, वो विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों के पुलिस के साथ झड़प हो जाती है। उसी दौरान पुलिस जो है छात्रों पर लाठी चार्ज करने लगती है। दरअसल जिला और प्रखंड कार्यालय में कार्यपालक सहायक के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएस ऑफिस के समक्ष अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार जारी है। बता दें सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ ही दिन पहले जब नीतीश कुमार सचिवालय में बैठक कर रहे थे, उस दौरान बिहार की बेटियां सड़क पर उतर गई थी और एनएमसीएच और पीएमसीएच की जो नर्स थी उनका कहना था कि जब पहले एग्जाम का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, ऐसे में दूसरे एग्जाम की बहाली, दूसरे मतलब नर्स की आवेदन का बहाली कैसे निकाल दिया गया है। उस दिन भी पुलिस ने ऐसे ही छात्रों पर लाठीचार्ज की थी। ऐसे में आज एक बार फिर से जहां शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं, ऐसे में आज फिर से पुलिस कर्मियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।